हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से दूरी बना ली है। राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही है कि बिश्नोई पार्टी के कामों व कार्यक्रमों से किनारा किए हुए हैं। वो ना तो बीजेपी की मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं और ना ही पार्टी के किसी नेता से संपर्क में है। आइए उन वजहों पर नजर डालते हैं जिनसे ये कयास लगाए जा रहे हैं। पहला कारण, आदमपुर में 57 साल बाद परिवार की हार, क्योंकि भजनलाल परिवार की पहचान ही हमेशा से आदमपुर सीट से रही है। लेकिन विधानसभा चुनावों में कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें वहां से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि कुलदीप ने इसलिए भी बीजेपी से दूरी बनाई हुई है क्योंकि पार्टी की तरफ से उन्हें निमंत्रण नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे सदस्यता अभियान की बैठक और हार पर हुई मंथन की बैठक में भी गैर हाजिर रहे। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के विवाद से ही बिश्नोई परिवार राजनीति से दूरी बनाए हुए है। वहीं इसके अलावा राज्यसभा नहीं जाने की अटकलों की वजह से भी कुलदीप बिश्नोई नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें, हाल ही में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा था कि जिसका नाम राज्यसभा के लिए मीडिया में चलता है उसका पत्ता पहले ही कट जाता है। बता दें, कुलदीप विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्यसभा के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब चूंकि मीडिया में बिश्नोई का नाम था तो बडोली का ये इशारा कुलदीप के लिए ही माना गया है, जिससे माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। बहरहाल, इन अटकलों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।